साल की उम्र में क्रिकेट शुरू करी थी। बड़े बड़े बॉलर्स को मैं देख रहा हूँ, आप फेस कर रहे हो, डर नहीं लगता? मेरे को डर नहीं लगता, मैंने बचपन से फास्ट बॉलरों को खेला है और जब भी मेरे सामने कोई फास्ट बॉलर आता है तो मुझे मजा आता है, मेहनत करता रहता है वही आगे जाता है। और जो ये बोलते हैं कि ना जो मेहनत करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, तो उनकी वो गलत सोच है। मेहनत करके अंदर 13 खेले, अंडर 13 में परफॉर्म करें, अंडर 16 में नाम आएगा, उसके बाद अंडर 16 में परफॉर्म करें, उसके बाद 19 में नाम आएगा, 19 में परफॉर्म करें, फिर इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान खेलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसाम, आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं LCCA ग्राउंड में, जहां पर हम एक नन्ना टैलेंट देखा है जिसका नाम एहसन खान, 10 साल की इसकी उम्र है और बड़े बड़े खिलाड़ियों को पिछाड़ देते हैं। ये हैदराबाद से ये बच्चा आया है, क्रिकेट का एक टैलेंट लेकर पाकिस्तान के शहर लाहौर में। हम इनसे बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर लाहौर में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताओ, हैदराबाद से लाहौर, हैदराबाद में क्यों नहीं? जी मुझे सर सलमान कादिर ने बुलाया, यहाँ पे क्रिकेट बहुत है और यहाँ पे मुझे क्रिकेट सीखने को भी बहुत कुछ मिला, इसलिए यहाँ पे हैदराबाद से आए। हैदराबाद में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं बुलाया? जी हैदराबाद में इतनी क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट लाहौर में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से। यहाँ पे कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? यहाँ पे कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह भी करते हो? जी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं। और अच्छा स्कूल जाते हो कि नहीं? जी स्कूल जाता हूँ। स्कूल किस टाइम जाते हो? स्कूल सुबह 8 बजे। वो भी लाहौर में ही? नहीं हैदराबाद में। हैदराबाद से लाहौर आए हुए हो, जब स्कूल जाना हो तो फिर किस तरह जाते हो और किस तरह इस चीज़ को मैनेज कर रहे हो? जी अभी कोरोना की वजह से स्कूल अभी बंद है, तो इस वजह से अभी ट्रायल्स भी आने वाले हैं, तो सर सलमान कादिर ने मुझे यहाँ पे बुलाया प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा प्रैक्टिस आप करते हो, बड़े बड़े बॉलर्स को मैं देख रहा हूँ आप फेस कर रहे हो, डर नहीं लगता? नहीं। उसकी क्या वजह है? जी मेरे को डर नहीं लगता, मैंने बचपन से फास्ट बॉलरों को खेला है और जब भी मेरे सामने कोई फास्ट बॉलर आता है तो मुझे मज़ा आता है और खेलने में। अच्छा मुझे बताओ, बेहतरीन बैट्समैन कौन लगते हैं आपको पाकिस्तान टीम में? बाबर आजम। वो क्यों? बाबर आजम टेक्निक वाइज खेलते हैं और ओपनर वन डाउन जाते हैं और आखिर तक खेल के आते हैं, मैच विनर प्लेयर हैं। मुझे ये बात बताओ कि कितनी देर से शुरू की थी, कब क्रिकेट शुरू की थी आपने? मैंने 3 साल की उम्र में क्रिकेट शुरू करी थी। 3 साल की उम्र में, जब बच्चे छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं और आप क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी? जी। और आज बड़े बड़े बॉलर्स को इसीलिए फेस करते हो? जी। बेहतरीन बॉलर आपको कौन लगते हैं? बेहतरीन बॉलर इंटरनेशनल में? जी इंटरनेशनल भी और पाकिस्तानी भी। पाकिस्तान में मेरे को बेहतरीन बॉलर लगते हैं वहाब रियाज और वैसे लगते हैं ट्रेन बोल्ट। जब वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर नहीं? जी मोहम्मद आमिर भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, पर हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, तो मुझे वहाब रियाज ज़्यादा पसंद है। वहाब रियाज, क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, यंग जनरेशन को, कि स्पोर्ट्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कुछ बच्चे ये समझते हैं यार ये टाइम वेस्ट है, पढ़ लिख जाए फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में आया जाए, आप किस तरह मैनेज कर रहे हो, उनको क्या मैसेज होगे? जो बंदा मेहनत करता है वही आगे जाता है, जो बंदा बचपन से अपनी मेहनत करते करते जो मेहनत करता रहता है वही आगे जाता है। और जो ये बोलते हैं कि ना जो मेहनत करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, तो उनकी वो गलत सोच है। बंदे को ये सोचना चाहिए कि वो मेहनत करे, मेहनत करके अंदर 13 खेले, अंडर 13 में परफॉर्म करें, अंडर 16 में नाम आएगा, उसके बाद अंडर 16 में परफॉर्म करें, उसके बाद 19 में नाम आएगा, 19 में परफॉर्म करें, फिर इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान खेलेगा। पढ़ाई में कैसे हो आप? पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ, अभी मेरा रिजल्ट आया 99% बनी है, A+ बनी है, 99% बनी है, ज़बरदस्त। और क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? जी पाकिस्तानी टीम क्रिकेट टीम को मैसेज देना, अभी जो T20 का स्क्वाड बना है पाकिस्तानी टीम के लिए, मेरी ख्याल से वो गलत बना है, क्योंकि अभी 10 अक्टूबर को जो वापस स्क्वाड बनने का ऐलान करा है PCB के चेयरमैन रमीज राजा ने, और मैं मोहम्मद आमिर को सेलेक्ट नहीं किया गया, और जो जो सीनियर प्लेयर हैं उनको टीम में नहीं रखा गया, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी रखा जाए उनकी टीम में, उनको भी रखा जाए। अच्छा मुझे बताओ एहसन खान, पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट है आपके साथ? जी पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है मेरे साथ और वो बहुत मेहनत करते हैं मेरे साथ। पेरेंट्स की, एहसन खान के हम पेरेंट्स से बात करेंगे, आप 10 साल के बच्चे को लाहौर लेके आए, परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, बच्चे को प्रमोट करना चाह रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखें एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवलिंग करना लाजमी सी बात है, अपना काम जॉब सब छोड़ना पड़ती है बच्चे के करियर के लिए, उसके उसको आगे ले जाने के लिए। दूसरे शहर में आए हुए तो बहुत सारी परेशानियां उठाना पड़ती हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की उम्र में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसकी इसको तमाम मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, और ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि इंडिया तक में इंटरनेशनल लेवल पर लोग इस एहसन खान को जानते हैं 7 साल की उम्र से। पर अफसोस की बात यह है कि जिन्हें काम करना चाहिए था, PCB का रोल बनता था, PCB ने अब तक एहसन खान को कोई सपोर्ट नहीं किया।
जी तो नाज़रीन, हैदराबाद से बचा लाहौर में आया है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के शौक़ के लिए, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए। पीसीबी को इन पर तवज्जो देनी होगी। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।